हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपल टीचर में। सीटेट की आगामी परीक्षा 16 दिसंबर से होने वाली है, वो भी पहली बार ऑनलाइन मोड पे। तो देखिए, हम लोग एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हर बारी एडमिट कार्ड 15 से 20 दिन पहले यहाँ पे रिलीज़ कर दिए जाते थे, और आज यहाँ पे हो गई है 10 दिसंबर। और जैसा कि हमें पता है कि 16 दिसंबर से पेपर है, यानी कि अब हमारे पास 6 दिन है, और 6 दिन पहले यहाँ पे एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं किए गए। तो आखिर एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, आप लोगों के मन में ये सवाल है। आप लोग जब इतने दिन रुक गए हैं तो आप एक दिन और रुक जाइए, कल तक आप लोगों के हाथ में आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, वो भी शाम तक ये एडमिट कार्ड आप लोगों के पास आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये जो परीक्षा है वो कौन से दिन और कौन से शिफ्ट में है। अब देखिए, आप कहेंगे कि मैं इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल रही हूँ कि कल ही ये एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि आज फ्राइडे है और कल सैटरडे हो जाएगा, और संडे को यहाँ पे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़्यादातर कोई भी जो ऑफिशियल नोटिस होता है वो रिलीज नहीं किया जाता, और मंडे तक काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा और पेशेंस रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ऐसा हो सकता है कि जो स्टार्टिंग के शिफ्ट हो उनमें आपकी परीक्षा हो सकती है। तो देखिए, तैयारी आपको उसी लेवल से करनी है और उसी तरीके से करनी है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जो मैराथन वीडियोज़ डाली गई हैं उन मैराथन वीडियोज़ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप अपने जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी करते रहिए, इस तैयारी में आप ढील ना दीजिए। तो देखिए, अगर आप लोगों के दिमाग में ये है कि सीटेट के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीटेट की ये जो परीक्षा है ये 16 दिसंबर से ही शुरू होगी और 13 जनवरी तक लगातार चलने वाली परीक्षा है। तो देखिए, इतने बड़े लेवल पे कंडक्ट होने वाली परीक्षा है तो इसको पोस्टपोन होने का तो सवाल होता नहीं है। तो देखिए, पहली बारी ये ऑनलाइन मोड में हो रहा है, इस वजह से हो सकता है कि एडमिट कार्ड आने में इतना टाइम लग रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।